तो वेट करो, आपको एक नजारा दिखाता हूँ भाई, खूबसूरत सा। So we are going to Dhanol Sea and we are in Germany to Earth has manate hain bhai. आगे थोड़ा मेरी गाड़ी फंस चुकी है, मैं इधर से थोड़े आराम से निकालने की कोशिश कर। सो अकेले आने पे ऐसे मुश्किलें आ सकती है भाई। सो आप देख सकते हो मैंने फाइनली निकाल चुकी है और टायर थोड़े देख सकते हो। दो छोटे छोटे बच्चे मिले प्यारे प्यारे से, क्या क्या नाम है अच्छा आपका नाम आपका? कैसे आप सब लोग, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप शुभम और आपका हमारी बल देख सकते हो भाई फुल ऑन रेडी है। तो गाइस की आज हम मालदीव का जा रहे हैं, बट ये नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। आप लोग को आज बता दूं, आज हम मैं जा रहा हूँ अपनी बुल्स के साथ ऑफ राइडिंग करते हुए भाई नोल्टी। ऑफ राइडिंग मतलब काफी लोगों को पता है कि यहाँ से भी राइड तो कमेंट ऑफ कराने कैसा लग रहा है अपने माल रिक्शा में भैया, पर दो दो है वो आगे आप रीच देख रहे हो वो द्वारा और क्या बोलते हैं द्वारा देख देना और पेट्रोल पंप जिसको नहीं पता पेट्रोल बहुत ज़्यादा रुपये में आते जाता है। चलते हैं, चौक आ चुका है अपना। अगर किसी को द्वारा या सल्फर पॉइंट जाना वो वाला रूट है। एंड आज हमने जाना है इधर धनोल्टी, इधर चंबा टेहरी धनोल्टी दिखाई 70 किलोमीटर। लेट्स सी एंड देख सकते हो आगे का रास्ता। और है यहाँ से रेस लो अपनी गर्मी स्टार्ट हो चुकी है धनोल्टी की। इससे पहले वाले वीडियो में मेरा ड्रोन क्रैश हो गया था, जिस कारण मैं ड्रोन शूट ले नहीं पाया। एक या दो शूट दिखा होगा आपने, बट आज बता दूँ ड्रोन बन चुका है। ड्रोन से जो आप रास्ता देख रहे हो वो पूरा निकल रहा है भाई। यहाँ से आप नीचे क्रॉस करोगे तो डुड्डू फॉल्स भी जाता है एंड इधर के बाद यहाँ पे, बट आज हम जाएंगे यहाँ से जो भी है डेस्टिनेशन ऑफ रोडिंग करते हुए। वो रास्ता देख रहे हो वो पूरा ढुकू हॉल वाला रास्ता दिखता है। नदी वाला रास्ता ये क्या है आप देख पा रहे हो, बट मुझे नहीं पता मैं सही जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आगे से दो रास्ता लड़ा था तो मैं वाले रास्ते घूम दिया हूँ। और अपनी बुक आप बताओ कैसा लग रहा है ये नज़ारा देख के भाई। सच्ची बता मुझे लग रहा है नदी वाला रास्ता नहीं, तो नदी वाला रास्ता इतने अकेला जा रहा हूँ ऊपर से ऐसे रास्ते में ऑफ रोडिंग करते हुए, तो भाई सच्ची बता मज़ा ही आ रहा है। हाँ जा रहा है, अगर कोई देख रहा है इस वीडियो को प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वाला रोड देख रहे हो इधर से पूरा पहाड़ पर कोई बढ़िया जगह है, तो अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि ये जगह कहाँ निकलती है। बट भाई वो पहाड़ भाई जब भी मैं पहाड़ों पर आता हूँ तो ऐसा लगता है पहाड़ों से कुछ कनेक्शन है अपना, ऐसा लगता है।
लेते हैं हम थोड़ा, सोच रहा हूँ ड्रोन शूट एंड आई चेक आउट कर सकते हो भाई, इधर कितना प्यारा सा वाटरफॉल है एंड नीचे देख सकते हो भाई डेंजर। और जर्नी में आज हम अकेले आए हैं भाई, अकेले। अब जो शूट होगा वो ड्रोन शूट का होगा एंड कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लग रहा आपको ड्रोन शूट एंड चेकआउट कर सकते हो भाई, रास्ता इतना प्यारा प्यारा है। और ये अभी हमारी जर्नी बहुत दूर है और अपनी वुल्फ जिससे चलती है। शूट कैसा था कमेंट बॉक्स में बताना प्लीज़। एंड वो देख सकते हो अभी भी यहाँ से भाई अपनी जर्नी बहुत आगे 40 किलोमीटर है धनुल्टी, देन देखते क्या होने वाले। अभी बोले ऑफ रोडिंग भी है, आगे एक अच्छी रोड भी है। एंड आप देख सकते हो अपने ड्रोन में दिखा होगा ये सुंदर सा वाटरफॉल और इतनी बड़ी खाई। सो चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की और मिलते हैं आपसे थोड़ी। सो वी आर गो टू धनुल्टी एंड आप लोगों ने ड्रोन शूट तो देख लिया होगा। तो चलते हैं और इस जर्नी को और खास बनाते हैं भाई। और अंदर वाला अभी ऐसा है कि कच्ची रोड है जिससे पूछ रहा हूँ 40 किलोमीटर बता रहे मे बी लाइफ सी बात है। एंड ठीक ठाक है, अच्छा है। और इतने सुंदर सुंदर से फूल नजर आ रहे हैं देखो। अरे भाई कैसा लग रहा, अगर कोई भी अगर धनुल्टी जाएगा यहाँ से, इधर से दो रास्ते कट रहे हैं, वो कच्ची रोड से निकल जाना है। मैं भी इधर से ही हो कच्ची रोड से निकल चुका हूँ मैं, पता आगे ऊपर भी जा रहे लोग, बहुत सारे रास्ते है भाई यहाँ से भाई। दिख रहा आगे रास्ता दिख रहा आगे। क्योंकि हल्के इसलिए डरा ना भाई, लाइफ है ना सबक मिलता है ऐसे रास्ते पे ना, तुम तेज नहीं चला सकते। वो देखो तेज चलाया है, वो देखो ऐसे कच्चे कच्चे रोड है भाई। सो अकेले आने पे ऐसे मुश्किलें आ सकती है भाई, अकेले अगर साथ में कोई होता तो धक्का दे देता, कोई नहीं हम कर लेंगे और निकल के जाएंगे। एंड भाई वो सारी रास्ते क्रॉस करते हुए आया हूँ मैं, पता नहीं कौन से रास्ते हैं, बट यू ही रास्ता जो आप लोग को दिख रहा है वो रास्ता पूरा आ रहा है एंड ऊपर रहे अभी। और देखो क्या होता है, गाड़ी में आप देख सकते हो भाई पहाड़ कितने सुंदर सुंदर नजर आ रहे भाई, एकदम भाई एक अलग ही वाइब आ रही है, मज़ा तो आ रहा है। साथ साथ में कभी नहीं आया हूँ अकेला, तो अपने बोल उससे ऐसे खड़े हो रखी है एंड इस गड्ढे पे है भाई, आराम से निकालूंगा मैं। चलो निकालते हैं हम इस अपनी वुल्फ को, फंस चुकी है जो अपनी वुल्फ, तो चलते हैं निकालते हैं। सो आप देख सकते हो मैंने फाइनली निकाल चुकी है और टायर थोड़ी देख सकते हो भाई, ये देख सकते हो टायर भाई एंड बहुत मुश्किल से निकाली है मैंने। तभी बोला था जब भी आते ऐसे रास्ते पे बी सेफ मतलब अच्छे से चलाओ, सेफली चलाओ। और आगे अभी भी मिलेगा ऐसा रोड, क्या होता है अपने
बताया। तो भाई अब जब भी आप लोग इधर से आओगे दो रास्ते जा रहे हैं, ऊपर वाले रास्ते से कभी नहीं मत जाना, ऊपर गाँव को जा रहे हैं एंड हम जाएंगे नीचे से। यार धन उल्टी के लिए हाँ सीधा नीचे कहाँ जा रहा? नीचे वापस जा रहा नीचे। सह जा रहा तो आप गाँव का नाम क्या है? गाँव का नाम, जगह का नाम, जगह का नाम तरुणा। हाँ तरुणा 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 एंड तो भाई ये मंजिल अपनी स्टार्ट हो चुकी है धन उल्टी की। यहाँ से दो छोटे छोटे बच्चे मिले प्यारे प्यारे से। क्या क्या नाम है अच्छा आपका नाम और आपका? ये थर्ड क्लास में है, ये फिफ्थ क्लास में है भाई। बहुत ज़्यादा देखो गांव के बच्चे शैतानी बहुत करते हैं। शैतानी कर रहे हो ना तुम लोग? पढ़ते नहीं रहे हो? होमवर्क कर लिया? झूठ बोल रहे हो? झूठ बोल रहे हो भाई, झूठ मुझसे झूठ भैया सब बता देता है। नहीं क्या वो आगे वाले ने बिल्कुल नहीं किया है ना? और एक स्माइल देखो इसकी, इसकी स्माइल होता रही नीचे। तो बाय बाय दिव्यांशु और अर्जुन। वो तो शांत हो रहे। आज एक नजारा बहुत खूबसूरत है, ऐसा दिखने को मिलेगा मैंने सोचा नहीं था देखने को मिलेगा। देख रहे हो भाई इसे कहते हैं जन्नत से भी कम नहीं है। सोचा सो गाइस अभी मैं जा हूँ, आप चेक कर सकते हो घर के साइड में किसी के में। देन मैंने पहले पूछा फिर उन्होंने जाने दिया एंड ये दे सकते हो। तो वेट करो आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ भाई खूबसूरत सा। आप लोगों ने देख लिया होगा कि ड्रोन शॉट कितना प्यारा था, बाइक भी आया था। देन देख सकते हो भाई यहाँ से जाने का मन तो कर नहीं रहा है बट क्या करूँ जाना तो पड़ेगा ना बैक टू होम। तो ड्रोन शॉट होता ना और ऐसी चीज़ देखने को मिल गई भाई जन्नत से कम नहीं, और सुकून मिल रहा भाई। बहुत ठंडा लग रहा है एंड क्लाउड ऐसे जा रहे ना जिग 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 बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। मैंने सोचा नहीं था कि आज मुझे जर्नी में कुछ भी मिल जाए। मैं आज रेंडमली निकला था तो मैंने बोला था जो होगा देखा जाएगा, अपनी वुल्फ भी फंस चुकी थी। हमारे भाई जो इधर आए हमारी हेल्प करवाई उन्होंने, उनका घर यहीं है नीचे। चलते हैं अब घर की, और यहाँ से 40 to 45 किलोमीटर है देहरादून
तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।